को भगवान माने, कहाँ का अन्याय है भाई? हमारे भगवान को उन्होंने अत्याचारी कहा, बलात्कारी कहा, जिनको हम अपना कुल देवता मानते हैं। हाँ, ये बात शब्द कहा, और आप शब्द बातों का और सुनिए, आपका कुल देवता का बलात्कार कह दिया। जी जी, जानते हैं ना, उन्हीं से ना पूछेंगे, कहीं पे तो लिखा हुआ नहीं, ना रामायण में है ना महाभारत में है। बोल रहे हैं ना कि अत्याचारी था बलात्कार, किस पर अत्याचार किया आपके कुल देवता? हाँ, तो वो तो वही बताएंगे ना कि किस पर अत्याचार किए। स्वर धाम के मठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री पटना आने वाले, उनसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कलवार समाज के लोग, इनका कहना है कि हमारे कुल देवता का धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपमान किया है। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारा जो इतना कोरोना काल में कितना बिहारी लोग मरे, कहाँ कहाँ से आए, तो उस घड़ी कहाँ थे कोई बाबा? क्या विरोध, क्यों विरोध कर बाबा का? धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है हमारे कुल देवता, हमारे भगवान को उसने और शब्द बात बोले हैं। क्या बोल दिया धीरेन्द्र शास्त्री, आप लोग विरोध कर रहे लगातार? धीरेन्द्र शास्त्री हमारे कुल देवता सहस्त्र बाहु अर्जुन जी के बारे में अपने प्रवचन के दौरान बागेश्वर धाम में बिल्कुल अभद्र बातों का प्रयोग किया, जिससे आज हमारा समाज आहत है पूरे देश भर में, राज्य में। इसलिए आज प्रतिकार हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ले। तो लोग भगवान मानते हैं, भगवान कैसे गलती बोलते? भगवान मानते हैं, बंद रूम में बंद कर दिया जाएगा, बाहर निकल जाए भगवान होंगे तब ना, तो रूम में हम बंद कर देते हैं, बाहर निकल जाए तो भगवान है। आप लोग एजेंडा फिक्स नहीं, किसी पार्टी से नहीं आप लोग? कोई पार्टी नहीं, इस पर बैनर पर लिखा हुआ है कलवार सूरी कसेरा समाज का एक कुल देवता है राज राजेश्वर भगवान सहस्त्र अर्जुन जी, उनके ऊपर उन्होंने बहुत भद्दी भद्दी टिप्पणी किए हैं। पहले ही बोल दिया है किसी की औकात नहीं है बाबा कहने से रोकते हैं। अब कौन पार्टी क्या बोल रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। यहाँ हम समाज आहत हैं, हम आपके माध्यम से बाबा तक संदेश पहुँचाते हैं कि बाबा इस समाज से माफी मांगे। बाबा माफी मांग ले, काम खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, माफी मांगे तो वही आंदोलन चलता रहेगा, प्रतिकार होता रहेगा। विरोध करिएगा, है विरोध करिएगा। पूरा बिहार में, पूरा देश में हो रहा है, पूरा देश में समाज कर रहा है। कल से बाबा पटना आ जाएंगे, पूरा बिहार में हर जिले जिले प्रतिकार उनका होगा। कुल देवता का नाम बता दीजिए। श्री सहस्त्र बाहु अर्जुन जी वही है कुल देवता कलवार सूरी कसेरा समाज के। उनके बारे में आप शब्द बोल दिए थे, उनके ही बारे में गलत गलत भद्दी भद्दी टिप्पणियां की है, जिससे समाज के लोग आहत हैं। बाबा को लोग भगवान मान रहे हैं, आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं? गजब बात कहते हैं, वो भगवान मान रहे हैं लोग, हमारे भगवान को गाली बके, हमारे कुल देवता को गाली बके और उनको भगवान माने, कहाँ का अन्याय है भाई? हमारे भगवान को उन्होंने अत्याचारी कहा, बलात्कारी कहा, जिनको हम अपना कुल देवता मानते हैं। हाँ, ये बात शब्द कहा, और आप शब्द बातों का और सुनिए, आपका कुल देवता का बलात्कार कह दिया। जी जी, जबकि उन्होंने उनके रामायण में वर्णन है, उन्होंने रामायण का अगर आप उठा के देखिएगा तो उन्होंने रामायण में भी वर्णन है कि उन्होंने रावण को भी, जैसे बंसाली को भी अपने यहाँ 6 महीने कैद करके रखे थे अपने घर में। उनको बात है कि आपके कुल देवता को धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बलात्कार कह दिया, अपमानजनक टिप्पणी कहा, बलात्कारी कहा, अत्याचारी कहा, बहुत सारे बुरा शब्दों का इस्तेमाल किया। वो माफी मांगे, नहीं माफी मांगेंगे हम लोग, भूख हड़ताल करेंगे। आपके कुल देवता क्या अत्याचार किए? कोई अत्याचार हमारे भगवान बजरंगबली अत्याचार किए थे किसी पर? भगवान बोल रहे हैं वो दिमाग से पैदल हैं, दिमाग से पैदल हैं, इसलिए ऐसा बात बोले। किसी के कुल देवता के खिलाफ, किसी के माता पिता के खिलाफ खराब बात बोला जाता है? चमत्कारी है बाबा। नहीं, चमत्कारी है तो तनी बक्सा में बंद कर देते हैं, निकल के दिखाना दे बाबा। चमत्कार नहीं मानते? नहीं, हम चमत्कार नहीं मानते। कैसा चमत्कार? चमत्कारी कैसा? आप एक प्रवचन करता पूरे समाज का होते हैं, अगर एक समाज पार्टिकुलर समाज के बारे में अगर प्रवचन करता, अगर प्रवचन देते हो आप शब्द बोलते हैं तो प्रवचन करता है बेरोजगारी दूर, बेरोजगारी दूर करते हैं। अगर उनके पास चमत्कार है तो सब लोगों को बेरोजगारी को रोजगार दिलवा दे, सबको रोजगार दिला दे, सबको काम दिलवा दे, चमत्कारी। किसी को कुल देवता को क्यों अपमानजनक बोलेंगे हम लोग? किसी के भगवान को क्यों खिलाफ बोलेंगे? आपके कुल देवता को क्या बोल दिया धीरेन्द्र शास्त्री? देखिए, वो जो बोले मैं उसको नहीं दोहरा सकता हूँ, मैं उसका क्लिप दे दूंगा आप लोग को, आप लोग खुद देख लेंगे इन्होंने क्या बोला। यही बोला, देखिए बोले हैं कि अत्याचारी और बलात्कारी। जी, अत्याचारी हैं और बलात्कारी हैं। ये अत्याचार किया था आपके कुल देवता?
ये तो वही जानते हैं ना, उन्हीं से ना पूछेंगे। कहीं पे तो लिखा हुआ नहीं, ना रामायण में है ना महाभारत में है। बोल रहे हैं ना कि अत्याचारी था बलात्कार, किस पर अत्याचार किया आपके कुल देवता? हाँ तो वो तो वही बताएंगे ना कि किस पर अत्याचार किए, तो बाबा बताएंगे कि किस पर अत्याचार किए, किसका बलात्कार किए, बोले बलात्कार किए, किसका किए तो बाबा ने बताएंगे किसका किए हैं। मतलब आप लोगों को ठेस पहुंचा है जी, क्या चाहते हैं बाबा? माफी मांगे। हम लोग देखिए पूरे भारत वर्ष में इनका विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं कि पटना में हो रहा है, पूरे इन्होंने आज से परशुराम जयंती के दिन बोले हैं इन्होंने। हम लोग चार दिन पहले पटना सिटी में भी विरोध प्रदर्शन निकाला था और SDO को ज्ञापन दिया था इसका। SDO साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। और बाबा का तो कल समर्थन में कल 400,000 लोग पहुंच रहे हैं पटना के तरतपाली मोहम्मदपुर में, तो भाई उनका प्रोग्राम है तो पहुँचेंगे ही। आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम लोग विरोध उनके प्रोग्राम से नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो वचन बोला है उसके लिए मैं विरोध कर रहा हूँ। माफी मांग ले खाली, माफी मांग ले हम लोग, ठीक है? नहीं माफी मांगे तब आगे इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा हमारा। 14 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर में भी प्रदर्शन है, तो 14 तारीख को जंतर मंतर में प्रदर्शन है। इनका कलवार समाज का कहना है कि हमारे कुल देवता को, हमारे आराध्य को उन्होंने बलात्कारी और अत्याचारी कहा। धीरेन्द्र शास्त्री जी माफी मांगे इसके लिए, नहीं तो ये आने वाले दिनों में और आंदोलन बढ़ता चला जाएगा। तो साथियों आपके क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज़।